काम करना है, क्योंकि जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये ठीक मेरे इस साइड आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये बड़ा पत्थर को जो है आप किस तरह से हटाया जा रहा है, और इस पत्थर जो है बिल्कुल बीच रास्ते में जहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूँ विकास बनाव। तो अभी हम डोडा से जो काश्तीगढ़ या देसा के लिए जो रोड आता है उसी रोड पे खड़े हैं, और ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पर जेसीबी रात के 2 बजे से काम कर रही है, और बहुत बड़ी पस्सी जो है इस नाले में आ चुकी थी, और ये बिल्कुल गोली मंदिर के पास में है, और जो रोड जो है भागवा देसा या काश्तीगढ़ के एरियो को कनेक्ट करता है ये वही रोड है। चलिए, मेरे साथ बहुत सारे लोग है जो इस रोड को ठीक करने में जुटे हुए। सर, थोड़ा अपना नाम बताए और कब से लगे हुए थे आप? सर, मेरा नाम तनवीर अहमद है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ इधर भागवा डिवीजन जो हमारी है PMGSY, इससे मैंने जो स्टेज टेंडर लिए हैं वो उसमें काम करता हूँ। सर, एक सलूट आप तमाम लोगों के लिए, ऐसे जैसे में लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलते हैं लेकिन आप काम कर रहे हैं, चाहे फिर अपने लिए हो या किसी चीज के लिए हो, लेकिन ऐसे जैसे में जहाँ पर पत्ते आ रही हो, इतना बादल गरज रहे हो, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हो, तमाम चीजें कर रहे हैं, कब से ये तमाम चीजें हुई? भैया, ये रात को हमें 2 बजे फोन आया डॉक्टर से, PMGSY डॉक्टर से, कि आगे कोई 2-3 गाड़ियां फंसी थी, वो कुछ सिंक एरिया है वहां से कोई फ्लड आया था। फिर हमने 2 बजे मशीन अलॉट की और मैं यहां पे आ गया, तो उसके बाद हम लगे हैं 2 बजे से कोई 4 बजे हमने गाड़ियां छोड़ी। उसके बाद और फोन आया कि यहां पे एक बोल्ड बड़ा बोल्डर आया है तो रोड बंद है। फिर सुबह 10 बजे से हम लगे हैं 8-9 बजे से। ऐसे में लोग कोई दिक्कत वाले लोग दिख रहे हैं आपको जो आसपास गुजर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो है चल रहे हैं आसपास? भैया, अभी तो हमारे साथ लोगों ने अच्छा कॉपरेट किया, सुबह से जो हमने गाड़ियां निकाली उन्होंने भी आराम से ही रहे। और ये है कि लोगों को चाहिए घर से ऐसे ना निकलें जब तक ना कोई इमरजेंसी हो, ज़्यादा इमरजेंसी हो फिर घर से निकलें। आज बारिशें बहुत है, खतरा है, अब वो हम रात से देख रहे हैं कि बड़ी बुरी हालत है और बड़ी मुश्किल से हम काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये तमाम लोग जो हैं जुटे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसे में नहीं है कि ये काम करना, क्योंकि जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये ठीक मेरे इस साइड आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये बड़ा पत्थर को जो है आप किस तरह से हटाया जा रहा है, और इस पत्थर जो है बिल्कुल बीच रास्ते में जहाँ पर इसको जो है जहाँ से गाड़ियां पास करनी है, तमाम चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल ये बिल्कुल रोड जो है देसा काश्तीगढ़ यानी भागवा ये तमाम एरियो को जो है कनेक्ट करता है, और ये जगह जगह पर जहाँ पर भी ब्लॉक हुआ है वहां पर ये तमाम लोग जो है काम कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन को बताऊं, थोड़ा सा इस साइड से आकर दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस पत्थर को जो है थोड़ा सा हिलाया जा रहा है ताकि इसको यहाँ से गाड़ियां वगैरह जो है निकल सके। इतना बड़ी चट्टान जो है बीच रोड में आ चुकी है, और ये रोड जो है ब्लॉक था, यानी उसके बाद जो है फिलहाल इसको शुरू किया गया है, लेकिन हो सकता है और ऐसे जैसे माहौल में आप तमाम लोगों को घरों में रहना है और ऐसे में घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी बड़ी पस्सी आ जाए या फिर रोड बंद हो जाए, आपकी गाड़ी भी फंस सकती है, तमाम खतरा है, और ऐसे खतरे में घर से बाहर ना निकले और आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से प्रयास कर रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून और मैं विकास मनास जोड़ा।